हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोधपुर में दो ट्रेलरों में भिड़न के बाद लगी भीषण आग। जिले के फलौदी में बीकानेर जाने वाले NH-11 पर शुक्रवार देर रात मलार मगरा के पास दो ट्रेलर आपस में भिड़ गए। भिड़न के साथ ही दोनों में आग लग गई। एक ट्रेलर में रिफाइंड ऑयल भरा था, इससे धमाके हुए और आग विकराल होती गई। दूसरे ट्रेलर में बजरी भरी हुई थी। आज सुबह तक इस आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि हादसा सड़क पर आए किसी जानवर को बचाने के प्रयास में हुआ। दोनों ट्रेलर सड़क के बीचों बीच आकर भिड़ गए। इसके बाद आग विकराल होती गई। ऐसे में रोड पूरी तरह बाधित हो गई। बीकानेर व फलौदी दोनों ओर से 1 से 2 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। पुलिस ने वाहनों को दूर से ही रुकवा दिया। पुलिस ने बताया कि आग पर पूरी तरह काबू पाने में कई घंटे लग गए। बीकानेर की तरफ जा रहे ट्रेलर में ड्रम भरे थे, उन्हीं ड्रम में तरल पदार्थ से आग बढ़ती गई। बीच बीच में टायरों के फटने से धमाके होते रहे। इसी एक बारगी आसपास के गांव के लोग सहम से गए। गनीमत रही कि आसपास के ढाबों से लोग दौड़कर आए और ड्राइवर व खलासी को निकाला। एक ट्रेलर के ड्राइवर खलासी खुद ही निकलकर भाग छूटे। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।